राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के बाद एक बार फिर दल बदल की अटकलों को हवा लग गई है। इन अटकलों में अभी सबसे ऊपर नाम है यूनिस खान का। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के करीबी और बीजेपी के इकलौते मुस्लिम चेहरे यूनिस खान को टिकट नहीं मिला है। वो डिडवाना सीट से अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे। उनकी जगह जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट दिया गया है। पहले आपको ये बता देते हैं कि यूनिस खान कौन है, फिर बात होगी यूनिस खान के अगले सियासी कदम को लेकर लगाई जा रही अटकलों की। कौन है पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनिस खान? यूनिस खान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुट के नेता माने जाते हैं। इसी कारण पहले की वसुंधरा की सरकार में यूनिस खान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं को साइडलाइन कर रहा है, इसी वजह से अभी तक यूनिस खान का टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यूनिस खान डिडवाना सीट से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने उन्हें डिडवाना से टिकट नहीं दिया और उन्हें टोंक में सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टोंक में यूनिस खान को करीब 54,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं डिडवाना की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई और इस सीट पर बीजेपी को करीब 40,000 वोटों के अंतर से हार देखनी पड़ी। टोंक सीट से भी यूनिस खान का नाम गायब। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टोंक सीट से यूनिस खान का नाम गायब होने पर, जिन्हें वसुंधरा राजे का सबसे बड़ा करीबी माना जाता है। उनकी जगह अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। इस बदलाव को भी एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा है कि क्या पूर्व मंत्री यूनिस खान इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम सवालों का जवाब अभी आना बाकी है, मगर इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। डिडवाना से यूनिस खान की दावेदारी। यूनिस खान डिडवाना से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यूनिस खान डिडवाना से 4 बार के बीजेपी प्रत्याशी रह चुके हैं, जिसमें से 2 बार यूनिस खान को जीत दर्ज हुई है, जबकि 2 बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। और ये भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि डिडवाना से बीजेपी केवल 2 ही बार जीती है और दोनों ही बार की जीत के जिम्मेदार हैं यूनिस खान। डिडवाना को लेकर फंसी बीजेपी। दरअसल बीजेपी डिडवाना सीट को लेकर बेहद असमंजस में है। आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ी बात यह है कि डिडवाना सीट से टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है, जिसमें से पूर्व मंत्री यूनिस खान सबसे बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा 10 से अधिक प्रत्याशी बीजेपी से टिकट मांगने के लिए कतार में लगे हुए हैं। यूनिस खान के कांग्रेस ज्वाइन करने की भी खबरें हैं। बीजेपी की लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आने के बाद माना जा रहा है कि यूनिस खान कांग्रेस ज्वाइन करने का मन बना चुके हैं। इस बीच यूनिस खान के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें चलने के साथ ही राजस्थान की सियासत में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूनिस खान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के संपर्क में हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में डिडवाना विधानसभा सीट जिस तरह से हॉट सीट बनती जा रही है, उसके बाद ही चर्चा तेज हो गई है कि क्या वसुंधरा राजे के समर्थक यूनिस खान को टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या यूनिस खान बीजेपी का साथ छोड़ किसी और दल का हाथ थाम सकते हैं।